समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दिए गए हैं यहाँ पे, और बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा निकालें, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसके सबसे बड़ी भुजा 20 सेंटीमीटर दी है बड़े त्रिभुज की, और छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हम x मान लेते हैं, इसके वर्ग का स्क्वायर। तो यहाँ देखो यह 10 का वर्ग है और यह 8 का वर्ग है, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 10/8 बराबर में 20/x, ठीक है, यहाँ पे काट सकते हैं, 10 से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बराबर में 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर